अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीएमडी क्या चीज़ होती है और उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको उसकी इन्फो दूंगा इस वीडियो में कि जैसे सीएमडी जो है वो एज अ डॉस है, जैसे हम डॉस पे काम करते हैं वो 2D है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, यानी कि आप कोई कमांड उसको पहले इंसर्ट करते हैं, उसका इंटर प्रेस करते हैं तो कमांड परफॉर्म होती है, फिर आप सेकेंड कमांड देते हैं, फिर इंटर करते हैं तो वो सेकेंड कमांड को परफॉर्म करता है। तो सीएमडी भी हमारे पास इस तरह होती है। हम सीएमडी को किस तरह ओपन करते हैं, हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ जाके आप डायरेक्ट टाइप करें सीएमडी। आप जैसे सीएमडी टाइप करेंगे तो आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से आ जाएगा। इसका ओपन करें तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास डॉज आती थी, इसी तरीके से ये 2D स्क्रीन में हमारे पास सीएमडी मींस के कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, ठीक है। और अभी जो इसकी लोकेशन दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि सी और यूजर हैं, यूजर्स के बाद मैक नाम का जो यूजर हमारे पास क्रिएट हुआ हुआ है उसके अंदर अभी है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे जो है कुछ इसके फोल्डर्स वगैरह देखने हैं कि अभी मैक के अंदर और कौन कौन से फोल्डर हैं, तो मैं क्या टाइप करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ DIR। मैं जैसे ही DIR टाइप करूँगा तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट्री ऑफ सी, मतलब जो मैक एड्रेस दिखा रहा है इस फोल्डर का, यानी कि मैक के अंदर जितने फोल्डर्स हैं अभी ये वो दिखा रहा है, जिसमें कॉन्टैक्ट्स आ गया, डेस्कटॉप आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गया, डाउनलोड्स है और ये दूसरे फोल्डर्स हैं, ठीक है। और इनको लास्ट टाइम मॉडिफाई कब किया गया है, मीन्स कि इनको कब ओपन किया गया या क्रिएट किया गया है और किस टाइम पे इनको देखा गया था, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इनको लास्ट जो हमने कब ओपन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम DIR कमांड के जरिए जो है वो CMD में फोल्डर्स को देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फोल्डर हैं, मतलब जिस करंट डायरेक्ट्री में हम होते हैं उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें और कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल हैं। इसके अलावा डेट, अगर मुझे डेट चेक करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डेट लिख कर इंटर करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसने करंट डेट दिखा दी कि मेरी करंट डेट अभी क्या है, और इसी के साथ ये पूछ रहा है कि आपको न्यू डेट चेंज करनी है। अगर मैं सिंपल कुछ भी टाइप किए बगैर इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये डायरेक्ट उसको चेंज नहीं करेगा, बस वैसे ही रहने देगा, यानी कि मैंने डेट देख ली कि मेरे कंप्यूटर की डेट क्या है, ठीक है। इसी तरीके से टाइम है, अगर मैं टाइम देखना चाहता हूँ मैं डायरेक्ट टाइम टाइप करूँगा, ये कमांड है, इसको टाइम मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसने दिखा दिया करंट टाइम और वही टाइम पूछ रहा है कि मुझे चेंज करना है, मैं नहीं कर रहा चेंज, सिंपल मैंने एंटर कर दिया तो इसने जो है उसको चेंज नहीं किया, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको जो है वो खाली टाइम देखना हो, आप चेंज करना ना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसके आगे /T लगा देंगे तो ये क्या करेगा, आपको खाली करंट टाइम दिखा देगा, जैसे भी दिखा रहा है कि 12:07 हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से डेट है कि मैं डेट लिख कर और /T प्रेस करूँगा तो ये मुझे करंट डेट दिखा देगा कि मेरी करंट डेट क्या है, ठीक है। अब ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरीके से कोई कमांड है जो आपको यूज़ करनी हो या देखनी हो तो इसमें कितनी कमांड्स होती हैं वो देखने के लिए आप इसका एक कमांड है इसके लिए भी हेल्प के नाम से, ठीक है। आप हेल्प टाइप करके जैसे इंटर करेंगे तो आपको सारी कमांड शो कर देगा यहाँ पे जो जो CMD के अंदर अवेलेबल है। आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारी कमांड्स आ रही हैं, जैसे अभी हमने यूज़ की थी डेट की और टाइम की, आप देख रहे हैं DIR हमने यूज़ की थी, ये दिखा रहा है डिस्प्ले आर लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्ट्रीज, सब डायरेक्ट्रीज है ना डायरेक्ट्री, ठीक है। और इसी तरीके से डेट की हमने यूज़ की थी, ये डेट की आ रही है, ठीक है। इसी तरह से नीचे टाइम की भी होगी, तो इसमें वो सारी कमांड्स आ रही हैं जो CMD के अंदर अवेलेबल हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कमांड यूज़ करनी हो और उसका सिंटैक्स समझना हो कि मैं किस तरह से यूज़ करूँ तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डेट की कमांड, मुझे फॉर एग्जाम्पल डेट की कमांड के बारे में नहीं पता कि वो किस तरह से यूज़ करता है, तो मैं क्या करूँगा, डेट लिख के स्लैश और फिर ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे ही इंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो बता देगा कि होता क्या है, ठीक है। डिस्प्ले और सेट द डेट, यानी कि किसने यूज़ होती है, सही है, उसका सेंटेक्स क्या है, और इसी के साथ जो उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता देगा, उसके बारे में बता देगा कि वो होता क्या चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको पढ़ें तो इसको पढ़ के भी आप जो है वो डायरेक्ट CMD की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, वो कोई सी कमांड हो आप उसके बारे में इससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये चार कमांड हैं, बेसिक कमांड्स हैं, इसमें DIR हो गया जिससे हम फोल्डर्स देख सकते हैं, और डेट टाइम है इसके लिए, टाइम डेट हम देख सकते हैं और साथ में सेट भी कर सकते हैं, और इस तरह से हेल्प है जो बहुत यूज़ होती है इसमें। और इसी के साथ एक कमांड है इसको क्लोज करने के लिए एग्जिट, मैं एग्जिट टाइप करूँगा तो यहाँ पे इसको एग्जिट कर देगा, यानी कि जो हमारी करंट विंडो चल रही होती है उसको एग्जिट कर देता है। मैं एग्जिट लिख कर जैसे इंटर प्रेस कर रहा हूँ देख रहे हैं कि वो एग्जिट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल माय गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी के साथ अगर CMD कोई ऐसी कमांड है जो आप सीखना चाहते हैं या जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कमेंट में शो कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जरिए मैं आपको गाइड कर सकूँ।